दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ में वोट करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन अब उनका मतदान यहां पर हो चुका है। लोकतंत्र के इस महापर्व में उनकी ओर से भागीदारी निभाई गई है और वापस निकलते हुए मतदान केंद्र से बाहर आते हुए अखिलेश यादव की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तस्वीरें, जहां पर मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में इस बार अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अखिलेश यादव के साथ भी इस बार दांव पर लगी हुई है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब विधानसभा के चुनावी रण में अखिलेश यादव उतरे हुए हैं। और साथ ही साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी करहल से एसपी सिंह बघेल को उतारा गया है, जो इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव भी मौजूद हैं। मीडिया से मुखातिब होने के लिए यहां पर इंतजार करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां अखिलेश यादव ने मतदान कर दिया है और लगातार उनके साथ में आपको बता दें कि उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव भी मौजूद हैं, उनकी ओर से भी मतदान किया गया है। मतदान केंद्र से दोनों बाहर आ चुके हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक ओर जहाँ उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है और वहीं दूसरी ओर पंजाब में भी आज वोटिंग हो रही है। सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल और साथ ही हरसिमरत कौर बादल यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें, क्योंकि दो बड़े प्रदेशों में आज मतदान हो रहा है और कई जगहों पर, लगभग दोनों ही जगहों पर जो साख है वो दिग्गजों की दांव पर लगी हुई है। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में हम पंजाब से आपको दिखा रहे थे, जहां पर पंजाब में भी आज वोटिंग हो रही है और कई दिग्गजों के साथ इस बार पंजाब में भी दांव पर लगी हुई है। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में आज कुल 59 सीटों पर मतदान हो रहा है और उन्हीं में से एक है मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और बेहद दिलचस्प यहां का मुकाबला बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव को इस बार मुलायम सिंह यादव तक को चुनावी मैदान में लाना पड़ता है प्रचार प्रसार के लिए, तो वहीं दूसरी ओर लगातार बीजेपी के जो दिग्गज थे उन्होंने भी कमान संभाल रखी थी। और लगातार आपको बता दें कि यूपी के तीन हिस्सों में जो रण है वो छड़ा हुआ है, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ में मतदान करने के लिए पहुंचे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको लेकर जाया गया है। लेकिन फिलहाल मतदान केंद्र से बाहर आते हुए अखिलेश यादव की तस्वीरें के न्यूज पर एक्सक्लूसिव हैं और यहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ में डिंपल यादव के साथ में यहां पर मतदान के लिए पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ता और समर्थक उनके जो यहां पर मौजूद थे वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ के बीच में अखिलेश यादव और डिंपल यादव मतदान केंद्र से बाहर आते हुए, तो मतदान केंद्रों पर एक ओर जहां वोटरों की कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई दिग्गजों के साथ इस बार दांव पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का रण बेहद भीषण नजर आ रहा है, उसके बाद लगातार अब यहां पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अखिलेश यादव करहल विधानसभा से है, इस बार मुलायम सिंह यादव तक को प्रचार प्रसार के लिए उतरना पड़ा, क्योंकि एसपी सिंह बघेल के उतरने के बाद यहां पर समीकरण एक अलग तरह के बनते हुए नजर आए हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश में आज 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसी कड़ी में आज कानपुर में भी 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। हमारे साथ में कानपुर से हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा लगातार बने हुए हैं, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। विशाल के पास वापस चलते हैं। विशाल, आपने दिखाया तस्वीरें हमारे दर्शकों को, जहां पर हमने देखा किस तरह से आदर्श मतदान केंद्र सजाकर तैयार किए गए हैं, ताकि लोगों को घर से निकलने पर मजबूर किया जा सके और वोट डालने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके। लेकिन भले ही आदर्श मतदान केंद्र जो प्रशासन की ओर से बना दिए गए हों, लेकिन क्या उन केंद्रों पर कतारें मतदाताओं की नजर आ रही हैं? क्या उनमें वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं किस तरह से वोटर्स को लाने की जो बात कही जा रही है आदर्श मतदान केंद्र में, वहां पर व्हीलचेयर की बात है, व्हीलचेयर प्रोवाइड की गई है, जिन्हें थोड़ी भी दिक्कत है उन्हें व्हीलचेयर से बकायदा अंदर तक ले जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वोटर्स के प्रति क्या रुझान है, वोटर्स से बात कर लेंगे गरिमा, तभी पता चलेगा। एक मैम सब लोग डाल के आई भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता।
सुनीता श्रीवास्तव। वोट आपने अपना फाइल कर लिया जी, कैसा लग रहा है यहाँ केंद्र पे आदर्श? और सभी अखिलेश यादव क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले वो आपको सुनाता है। उत्तर प्रदेश में जहाँ राजधानी, क्या मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली कुछ दिनों से लापता थी, अब पीजीआई के नाले में उसकी लाश मिली है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएगी? और साथ ही साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए, अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, दो दिन वो फरौती नहीं दे पाया, 25 लाख की मांग थी, क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये दो उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजीआई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है? देखिए मुख्यमंत्री जी तो निशाना साधेंगे ही, सबका साथ और सैफई परिवार का विकास, देखिए इस तरह का नारा। सी, अगर कोई आंख बंद कर ले उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे बाबा मुख्यमंत्री, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी, डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की हैं? जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेसवे नहीं जोड़ पाए, जिम्मेदार कौन है? और जो विकास हुआ है सफाई का, वो एक दिन का नहीं है, कितना लंबा समय हुआ, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे अखिलेश जी, जो गुजरात वाला मामला है जिसमें दोषियों को सजा दी गई है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं वो लोग, भाजपा कह रही है समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो गुजरात वाले मामले में दोषी करार, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं। कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अरे भाई चुप, अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है, आपके साथ भी कुटवाई स्ट्रेटेजी से चलती है, उन्हें पता है। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं है? इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर जब विकास दिखाना था तो चीन की फोटो चोरी करके कौन लाया? जिस समय उन्हें कारखाना दिखाना था उस समय आपने अमेरिका का कारखाना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई पार्टी नहीं है। पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले आतंकवाद के मुद्दे को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी को घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी, आतंकवादियों से कनेक्शन जो समाजवादियों का जोड़ा जा रहा था वो लगातार असर बड़ा डाल सकता है। लेकिन अब अखिलेश यादव यहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह हमला बोलते हुए नजर आए कि ना तो बाबा मुख्यमंत्री अच्छा काम करते हैं और ना ही देखना चाहते हैं। बीमारी का किसी को नहीं पता कि बीजेपी पे बीमारी क्या है। इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, इस उत्तर प्रदेश का किसान माफ नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। अभी तक तीनों फेज में क्या आकलन है सर आपका? पहले दो चरणों में शतक लग चुका है, और जिस तरीके से शतक लगा है इस चरण में भी सबसे आगे समाजवादी पार्टी और गठबंधन होगा। अरे कल आपने वो नहीं सुना? आपने नहीं देखा और वीडियो जो अभी आए हैं, नौजवान नौकरी मांग रहे थे, फौज की नौकरी। अरे फौज की नौकरी कब दोगे? और जहाँ तक ये सवाल है, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, आपको वो तस्वीर नहीं दिखा पाए जो तस्वीर दिखानी चाहिए थी, आखिरकार वो क्या हो रहा था सामने? अखिलेश जी,
होने वाला है। तो अखिलेश यादव यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और किसान बीजेपी का सफाया करने जा रहा है। फिलहाल सफाया होता है या नहीं ये तो आने वाली 10 मार्च को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी धर्मपत्नी डिंपल यादव के साथ में मतदान किया है और मतदान करने के बाद में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस कांस्टेबल की लाश नाले में मिली है और साथ ही साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। आज मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस बार अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी हुई है क्योंकि एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा सलाहकार रहे हैं एसपी सिंह बघेल। बेहद अच्छी तरह से राजनीतिक दांव पेच वो जानते हैं लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प यहां पर नजर आ रहा है। और अखिलेश यादव को आपने सुना जहां पर मतदान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर वो बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए हैं। तो तीसरे चरण के तहत आज उत्तर प्रदेश में 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अखिलेश यादव यहां पर आज भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए और आज उत्तर प्रदेश में वोटिंग की कड़ी में ही हमारे साथ कानपुर में भी आपको बता दें वोटिंग हो रही है। कानपुर से हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा लगातार बने हुए उनके पास वापस चलते हैं। विशाल, मैं आपसे यही सवाल कर रही थी कि लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है पूरी मतदान केंद्रों को सजाकर आदर्श मतदान केंद्र बनाकर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने में, लेकिन क्या जनता भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है? बिल्कुल, देखिए अगर मतदान स्थल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आना चाह रहे हैं क्योंकि अट्रैक्टिव है तो लोग सोचते हैं कि चलिए यहाँ पर आएंगे थोड़ा मूड फ्रेशन अप होगा। सुबह सुबह यहाँ पर लोग आ रहे हैं। पहली चीज़, यहाँ पर आपको लाइन नहीं लगाने को लगेगी। कई लोग यहाँ पर जो सिविल डिफेंस की तरफ से भी तैनात किए गए हैं, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो कहीं से भी वोटर्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चाहे वो किसी दृष्टि से देखा जाए, चाहे यहाँ पर अगर किसी के कोई भी दिक्कत होती है, कोई अगर थोड़ा समर्थ है तो उसको व्हील चेयर से बकायदा लेके आया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर मदद कर रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसी के साथ बच्चे आए हुए हैं तो उनके लिए झूले का प्रबंध किया गया है। यहाँ पर ड्राइंग बनाई जा रही है, पेंटिंग की जा रही है हाथ पे, यहाँ बिस्किट्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर देशभक्ति के तराने बनाए जा रहे हैं। तो वोट डालने में जो राष्ट्रीय लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं जिसको, तो पूरा महापर्व यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यानी पूरी रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर एक तरीके से सजाया गया है उसी ढंग से ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके इस महापर्व की भागीदारी में। आपके साथ में वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं, कुछ वृद्ध पहुंच रहे हैं, कुछ दिव्यांग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ बातचीत कीजिए और देखिए कि क्या वहां पर लोगों में उत्साह है क्योंकि वही हमारे साथ। सर, क्या नाम है सर? हमारा नाम आनंद कुमार। आनंद जी, वोट देके कैसा लग रहा है? वोट देके बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर आके कैसा लगा? जब आपको दिक्कत थी तो आपको बकायदा व्हील चेयर से आप आए? कोई दिक्कत नहीं। तो ये लोग भी खुश हैं यहाँ पर आकर। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए गरिमात की यहाँ पर वोट डालने में क्या वो युवा, क्या वो बुजुर्ग और क्या वो पुरुष या महिला, सब लोग आकर वोट डाल रहे हैं और यहाँ पर खूब ज्यादा वोट डालने के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल विशाल, ये तस्वीर आपने आदर्श मतदान केंद्र के दिखाई जहां पर हर एक व्यवस्था की गई है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, दिव्यांग हो। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही आपने एक तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाई थी एक आम मतदान केंद्र की जहां पर कई अव्यवस्थाएं भी नजर आ रही थी। लोगों को मोबाइल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती लेकिन उनको ठीक से अपना मोबाइल सुरक्षित ढंग से रखने के लिए भी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। तो इसके चलते क्या लोगों को परेशानी हो रही है, वहां की क्या कुछ तस्वीरें थी? पर आई है गरिमा कि उनके पास वोट नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या कुछ और भी दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर भी वैसी चीजें देखने को मिली है। लेकिन इस मतदान केंद्र पर फिलहाल अगर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत कम लोग जिनके नाम नहीं थे और दिक्कत ये हो रही थी लोगों को कि स्लिप नहीं आई है, स्लिप यहाँ मिल नहीं रही थी, फिर काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें वोट डालने को मिल रहा था। तो ये तो कुछ परेशानी हर बूथ पे लगभग देखा जाए तो जितने बूथ है वहां पर सब पे समस्याएं बनी हुई है। गरिमा, बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर अव्यवस्थाओं का दौर भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश में तीसरे चरण के तहत आज 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अगर अब तक के चरणों की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि अपर निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी बीडी राम तिवारी जी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। वहां पर बात की गई है, ईवीएम पूर्ण रूप से सही है और मतदान वहां सुचारू रूप से चल रहा है। धन्यवाद।
और सभी से एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से यह बड़ी खबर जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है, दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वोट डालने की अपील की गई है। पंजाब के भविष्य के लिए वोट डालने जरूर जाए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी चुनावी रण में इस बार उतरी हुई है और उन्होंने साफ तौर पर वोट डालने की अपील की है और कहा है कि पंजाब के भविष्य के लिए वोट डालने जरूर जाए। आपके बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, इसके लिए वोट डालने जरूर जाएं। तो वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल। और अच्छे सरकारी अस्पताल हों जिनमें आपका मुफ्त इलाज हो सके, तो ये सारी बड़ी बातें उन्होंने कही है। और साथ ही कहा कि नशा खत्म हो, सभी पंजाबी सुरक्षित हो, यानी ये सारी बड़ी बातें कहते हुए और देश की सुरक्षा सर्वोपरि हो, इन सारे मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें हो तो वोट डालने जरूर जाएं, अपनी भागीदारी लोकतंत्र के इस महोत्सव में जरूर निभाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वोटिंग करने की अपील की गई है, ये बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। एक और जहां उन्होंने अपील की, दूसरी ओर ये ट्वीट भी सामने आया है जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पंजाब के भविष्य के लिए वोट डालने जरूर चाहिए, ऐसा भविष्य जिसमें अच्छा स्कूल हो, आपके बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, ये सारी बड़ी बातें उनकी ओर से ट्वीट में लिखी गई है। और साथ ही साथ वोटिंग की अपील करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री केजरीवाल, सुनिए। जी, आज का दिन पंजाब के भविष्य के लिए बहुत जरूरी दिन है, ऐसा भविष्य जिसमें आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उनको अच्छा रोजगार मिले, वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पताल हों जिनमें आपके परिवार का मुफ्त इलाज हो, नशा खत्म हो, ऐसा भविष्य जिसमें पंजाब की 3 करोड़ जनता सुरक्षित महसूस करे, ऐसा भविष्य जिसमें देश की सुरक्षा सर्वोपरि हो। ये सब तभी होगा जब आप वोट डालने जाएंगे। सभी माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप वोट डालने जरूर जाएं, बाकी काम बाद में कर लेना, वोट सबसे पहले। मेरा युवाओं से निवेदन है कि आप वोट डालने जाओ तो अपने घर के बुजुर्गों को भी साथ लेके जाना, और हाँ, पोलिंग बूथ के बाहर अपनी फोटो लेना मत भूलना, ताकि आज का दिन आपके कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। अपना ख्याल रखना, सत श्री अकाल। और सभी से एक बड़ी खबर।